Hello students, how are you? I hope that you all have been enjoying your studies during this period. Today we are going to explain the lesson, The Secret of Health, Success and Power. And the writer is Mr. James Allen. Before we explain the lesson, I would like to tell you something about the lesson. The lesson is basically about the things which make us healthy, सक्सेसफुल एंड पावरफुल. लेखक इस पाठ के द्वारा हमें उन चीज़ों के बारे में बताना जा रहा है जो हमें स्वस्थ बनाती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं और सफल भी बनाती हैं. कहीं ना कहीं इस पाठ के माध्यम से मिस्टर जेम्स एलन हमें ये बता रहे हैं कि हमारी सफलता, हमारी शक्ति और हमारा स्वास्थ्य ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं या आपस में एक दूसरे में बहुत अधिक संबंध है, जिसकी वजह से हम जब भी स्वास्थ्य की बात करेंगे तो उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारी शक्ति से होगा और हमारा स्वास्थ्य और हमारी शक्ति मिलकर कहीं ना कहीं हमें सफल भी बनाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन. वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ. In the very first line, the writer tells us about that there should be no compromise about our health, our success and our power. हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें सफल होना हो या हमें स्वस्थ रहना हो या हमें तंदुरुस्त बनना हो, शक्तिशाली बनना हो, तो हम इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते, ना ही हमें ऐसा करना चाहिए. और एक बात इसमें कहा, स्टर्लिंग फेथ, और हमें दृढ़ विश्वास भी रखना होगा. फॉर एग्जांपल कि जैसे हम सफल होना चाहते हैं किसी कंपटीशन में, तो हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग को अटेंड कर रहे हैं या जिस टीचर के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अगर हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें वो ज्ञान आत्मसात नहीं होगा और सफलता नहीं दिला सकता है. इन सच अ वन डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड. ऐसी अवस्था में चाहे वो डिजीज बीमारी हो, फेलियर असफलता हो या डिजास्टर माने विनाश हो, इनको कोई लॉजमेंट माने स्थान नहीं मिलता है. कहने का अर्थ यह है, अगर हम पूरी तरह से विश्वास रखे हुए हैं और हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर रहे हैं, तो हम असफलता को और विनाश को कोई स्थान नहीं दे रहे हैं और ना ही हम उन्हें ऐसा कोई भोजन दे रहे हैं जिस पर हमारी असफलता का पेड़ पनप सके या बड़ा हो सके. द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ. बड़ी अच्छी लाइन है कि जितनी जल्दी हम रियलाइज माने अनुभव कर लेंगे, एक्नॉलेज माने स्वीकार कर लेंगे कि हमारी असफलता का कारण क्या है, उतनी ही जल्दी हम प्रगति के रास्ते पर, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे. डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट. बड़ी अच्छी लाइन है, बीमारी उन्हें आती है जो बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करता है. To those whose minds and bodies are receptive to it, जिनका शरीर और जिनका मस्तिष्क इन बीमारियों के लिए ग्राही हों, इन्हें ग्रहण कर रहे हों, तो ऐसे लोगों को बीमारी आनी ही आनी है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर हम अपनी क्लास में देखेंगे तो हम पाएंगे जो हमारे टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारे सबसे अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, एकेडमिक मेरिट्स में, तो हम पाएंगे ये बच्चे कौन से हैं. ज़्यादातर हम देखेंगे वो बच्चे हैं जो अधिक से अधिक विद्यालय आने वाले होते हैं. ये वो बच्चे होते हैं जो अधिक से अधिक, चूँकि विद्यालय आ रहे होते हैं, इनके क्लास वर्क कम्प्लीट होता है, इनका होमवर्क कम्प्लीट होता है और कहीं ना कहीं ये आगे की बेंचेस पर बैठे हुए हैं. इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि पीछे की बेंच पर बैठा हुआ बच्चा अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आगे की बेंच पर बैठे हुए बच्चे, लगातार कॉलेज आने वाले बच्चे, अपना सारा कार्य, होमवर्क, क्लास वर्क को अपडेटेड रखने वाले बच्चे,
अच्छे मार्क्स लाने वालों में अधिक से अधिक संख्या में होते हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट इस फियर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। और असफलताएं ऐसे लोगों से दूर भागती हैं जिनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स होते हैं या सकारात्मक विचार होते हैं। इफ यू आर गिविन टू एंगर वरी जेलसी ग्रीड और एनी अदर इनहारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड, अगर आप अपने अंदर से एंगर माने गुस्सा, वरी माने चिंता, जेलसी ईर्ष्या या ग्रीड माने लालच या और इस तरह की कोई भी अवस्था को मन में पाले हुए हैं और एक्सपेक्ट माने आशा कर रहे हैं परफेक्ट फिजिकल हेल्थ कि आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, आप असंभव की आशा कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इफ यू आर नॉट पॉजिटिव विद योर माइंड, इफ यू आर नॉट पॉजिटिव विद योर थॉट्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स, फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि ऐसा करते हुए आप निरंतर अपने मस्तिष्क में असफलता का बीज रोप रहे हैं या बो रहे हैं। Such conditions of minds are carefully shunned by the wise man, for he knows them to be far more dangerous than a bad drain or an infected house. मस्तिष्क में बुरे विचारों के साथ रहना उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है जितना एक ऐसे घर में रहना जो बुरी तरह से संक्रमित है। If you would be free from all physical aches and pains and would enjoy perfect physical harmony, अगर आप चाहते हैं कि आप सभी तरह के शारीरिक दुखों से या परेशानियों से दूर रहें और जीवन की हारमोनी माने मधुरता का आनंद लेना चाह रहे हैं, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल सही अवस्था में रखिएगा एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और विचारों को भी मधुर बनाए रखिएगा। थिंक जॉयफुल थॉट्स, हमेशा प्रसन्नता के विचार अपने मन में सोचें। थिंक लविंग थॉट्स, प्रेम में विचार सोचे। प्रेम का मतलब यहाँ रोमांस से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अर्थ जीवों से, प्रकृति से, संसार से, लोगों से और पूरे समाज से प्रेम के लिए है। इन अदर वर्ड्स, दिस लविंग थॉट मीन्स इज अबाउट योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एवरीवन इन द वर्ल्ड। दुनिया के हर वस्तु और व्यक्ति से अगर आपके सकारात्मक विचार हैं, उसके प्रति अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो आपको कभी जीवन में नकारात्मक परिणाम नहीं देखने होंगे, ऐसा जेम्स एलन हमें समझा रहे हैं। लेट द एलेक्सर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू आवर वीन्स एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन। अगर हमारे धमनियों में शुद्ध विचारों का रक्त प्रवाह हो रहा हो तो हमें किसी और प्रकार की दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। पुट अवे योर जेलसीज, योर सस्पिशंस, योर वरीज, योर हेट्रिट्स, अपने अंदर से ईर्ष्या को, संदेह को, चिंता को, घृणा को, सेल्फिश इंटेलिजेंस, हमेशा स्वार्थ सिद्धिता को, यानी कि सिर्फ अपने मतलब की बात सोचने को, ऐसे विचारों को दूर करेंगे, यू विल पुट अवे योर डिस्पीसिया, योर ब्लियसनेसनेस, योर नर्वसनेस एंड एचिंग ज्वाइंट्स। आपका हाजमा सही होगा, आपका नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाएगा और आपके शरीर में किसी तरह का कोई रोग नहीं होगा, कोई व्याधि नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, शरीर में किसी तरह का विकार नहीं होगा। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डेबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, देन डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज लेट लो विथ सिकनेस। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और बुराइयों से, बुरे विचारों से लगातार चिपके हुए हैं, तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि आपका शरीर अब आपका साथ नहीं दे रहा है, और अगर साथ दे भी रहा है तो उतने अच्छे से नहीं दे रहा है।